क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण आखिरी चैप्टर है बेटा ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे से पढ़ें क्योंकि 11th क्लास में फिर से आपको ये मिलने वाला है, जो बच्चे साइंस लेंगे स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चों को ये मिलने वाला है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आराम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है बेटा परितंत्र और इसके घटक। ये परितंत्र क्या है? परितंत्र को बेटा इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। क्या? इकोसिस्टम कहते हैं, इसका मतलब परितंत्र। ये पारितंत्र या परितंत्र से कहते हैं, है क्या बेटा इसका मतलब है, तुम्हें पता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, देखो यहाँ देखो, जितने भी जीव हैं देख रहे हो, जीव सारे जानवर पौधे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सिस्टम चलता है, एक सिस्टम चलता है। जंगल में बेटा तुम खाना देने जाते हो क्या जानवरों को? नहीं। तो फिर वो कैसे जिंदा है? कुछ सिस्टम है ना जो उनको जिंदा रखता है, तुम तो जिंदा रखने नहीं जा रहे। नदियों की मछलियों को जिंदा रखने जाते हो तुम? नहीं। ठीक है, तो बेटा नीचे देखो, तो बेटा इस परितंत्र का जो सिस्टम है वो क्या है? तो परितंत्र का बेटा सिस्टम बहुत सीधा सीधा सा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है पौधे, क्या आते हैं? जिसको प्लांट्स कहते हैं। चैप्टर छोटा है लेकिन हम फिर भी इसको आराम से समझेंगे, बहुत जल्दी भागने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए लेट। ठीक है, पौधे भी कैसे बेटा? हरे। कैसे? हरे, ग्रीन। कैसे? ग्रीन, क्योंकि बेटा ग्रीन पौधे ही क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा हरे पौधे अपना भोजन, अपना भोजन, अपना फूड खुद बना सकते हैं, और इस बेटा इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और बेटा इंग्लिश में इसी बात को फोटो सिंथेसिस कहते हैं। बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट से खाना बनाना, सिंथेसिस करना, एनर्जी बनाना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश से संश्लेषण कर लेना, शक्ति बना लेना। अब तुम बोलोगे खाना तो मेरी मम्मी भी बना लेती है, खाना तो बेटा मम्मी भी बना लेती है, यही तो बोलोगे क्योंकि लेकिन बेटा बात वो गलत है, तुम्हारी मम्मी खाना बनाती नहीं है, वो खाना पकाती हैं। क्या? खाना पकाती हैं। खाना बनाने और खाना पकाने में बेटा डिफरेंस होता है, कुकिंग में और मेकिंग में बात अलग होती है, बात अलग होती है। इसका मतलब बेटा तुम चीज़ें उगा सकते हो और उगाते भी क्या, मान लो तुम चावल उगा रहे हो तो क्या उगाओगे? पौधा ही तो उगाओगे, वो तुम्हें चावल देगा। पौधा ही तो उगाओगे, वही तुम्हें गेहूं देगा। पौधा ही तो उगाओगे, वही तुम्हें सेब संतरे केले देगा। तो क्या कौन दे रहा है तुमको खाना? पौधे। और बेटा ये काम सिर्फ हरे पौधे ही कर सकते हैं, क्योंकि हरा पौधा ही प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, हरा पौधा ही बेटा फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्यों? उसके अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? अब बेटा ये सारी चीजें इस चैप्टर में नहीं है, देखो इधर फोकस करो, नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें पता होना जरूरी है। और बेटा 10th में तुम आ गए हो तो ये एनसीईआरटी वाले मान के चलते हैं तुम्हें ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन जो चीजें बेटा जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता उनका रिविजन हो जाएगा, क्योंकि बेटा चीज आना नहीं आना जरूरी नहीं है, नहीं आता, लेकिन ये जरूरी है कि आप उसे सीखना चाहते हो या नहीं, क्योंकि हमेशा हमको सीखते रहना चाहिए। देखो हरित लवक कहते हैं बेटा, इसी को इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? क्लोरोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं। यही बेटा हरित लवक जो होता है, यही पौधों को हरा रंग देता है, हरा कलर देता है, और यही हरा कलर सूर्य के प्रकाश से, विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, सनलाइट जब बेटा पौधों पे पत्तों पर पड़ती है, पत्ते ही क्या कहलाते हैं बेटा? पौधों का रसोई घर। क्या? किचन ऑफ प्लांट। क्या होता है बेटा? पत्तियां, क्योंकि पत्तियों के अंदर ही, पत्तियों के अंदर ही क्या है? हरित लवक है, और यहीं पर क्या होता है? प्रकाश, और नीचे से जल, जड़ों से क्या जाता है? जल, वाटर जाता है, और बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये अपना खाना बना लेते हैं। इस प्रकार को, इस चीज़ को हमें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसके अंदर जो एनर्जी बनती है वो बेटा क्या होती है? ATP। ये बात हम पहले बता चुके हैं, 9th क्लास में भी है, एडीनो ट्राई फॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका बेटा फुल फॉर्म होता है। जैसे ये क्या है? ये ATP है क्या बेटा? जैसे चीज़ों को नापने का होता है ना, वजन को किलो में नापते हो, किलोमीटर में बेटा लेंथ को नापते हो, लंबाई को नापते हो, दूरी को नापते हो, टाइम को सेकंड में और मिनट में नापते हो, इसी तरीके से एनर्जी को बेटा हम जो इस तरह की जो एनर्जी की करेंसी होती है उसको ATP में नापते हैं। वैसे तो बेटा एनर्जी को जूल में नापा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और 9th क्लास के अंदर इस चीज़ पर बहुत फोकस किया हुआ है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो 9th की वीडियोज़ देख लें, हमारे पास 9th की पूरी पूरी प्ले लिस्ट हमारे पास यूट्यूब पर पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं क्योंकि हमने बेस कर लिया, तो बुक की तरफ फोकस करो कैमरामैन।
तो बेटा हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि एक इकोसिस्टम के अंदर सबसे जरूरी आदमी वो है जो कि खाना बनाता है, वो है हरे पौधे। क्या हरे पौधे? यहाँ देखो बेटा चित्र को देखो, हरा पौधा, हरे पौधे ने अपना खाना बनाया, यहाँ भी हरा पौधा और यहाँ भी हरा पौधा। ये बेटा हरे पौधे क्या है? बड़े जंतुओं के लिए बड़े पौधे, छोटे जंतुओं के लिए घास फूस, और बेटा पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी पानी वाले पेड़ पौधे। इसको बेटा खाया किसने? केकड़े ने। इसको खाया मछली ने, मछली को बगुला खा गया। ठीक, ये देखो इसको टिड्डे ने खाया, छोटे पेड़ पौधे को उसने, मेंढक ने टिड्डे को खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को खा गया बाज, ईगल, बड़े पेड़ पौधे से हिरण ने खाया, हिरण को खा गया चीता। तो ये देख रहे हो बेटा एक हायरार्की बनती चली जा रही है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर हिरण नहीं होगा तो क्या शेर सीधा पेड़ से आके खाना ले सकता है? कभी भी नहीं होगा। क्या? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा सिस्टम उसका ये है कि वो मांस ही खा सकता है। अगर वो पेड़ पौधे खाएगा तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। क्या बाज सीधा पेड़ को खा सकता है? तो देखो भगवान का क्या सिस्टम है कि इस तरीके से सबका पेट भी भरता है और सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ चलता है। यही बेटा पारितंत्र है, यही बेटा इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम के घटक मतलब पार्ट्स या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है? यही जीव जंतु है। अब ये जीव जंतु को बेटा हम तीन चीज में बांट सकते हैं। देखो नीचे देखो, पहला है उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर जो कि खाना बनाए, उत्पादक मतलब जो खाना बनाए, उपभोक्ता जो उस बने हुए खाने को खा ले। तो यहाँ पे उत्पादक कौन हुआ? पेड़। और इसके अंदर उपभोक्ता हो गया प्राथमिक उपभोक्ता जो सबसे पहले खाए, हिरण। द्वितीय उपभोक्ता जो उसके बाद खाए, शेर। और तृतीय उपभोक्ता कोई शेर को भी खा जाए। अब यहाँ लेकिन ये वाली चेन यहाँ देखो, यहाँ तो पूरी दिखाई दे रही है तुम्हें, उत्पादक पौधे, फिर द्वितीय कौन दिखा दिया? टिड्डा, वो प्राथमिक। और द्वितीय कौन दिखाया? मेंढक। फिर तृतीय पे तुम्हें सांप दिखाई दिया, यहाँ तो चौथा भी दिखाई दे रहा है। तो बेटा हम इसको तीन मेन भागों के अंदर बांटते हैं। प्राइमरी क्या हो गया हमारा? प्रोड्यूसर। सेकेंडरी उपभोक्ता को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? देखो इधर देखो, कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। अब देखो ठीक है, कंज्यूमर, सेकंड, फर्स्ट, सेकेंडरी और टर्शरी, इस तरीके से चलता है। अब बेटा इसके अंदर एक आता है 10% का नियम। क्या आता है? 10% का नियम। क्या आता है? 10% का नियम। 10% का नियम क्या है? 10% का लॉ क्या है? क्या है बेटा ये? ठीक है, देखो बेटा इस लॉ के बारे में तुमको बताऊं। ये कहता है प्रकृति के अंदर कि जब हम किसी से भोजन लेते हैं, मानो एक पौधा है, उस पौधे को एक जानवर ने खा लिया, यहाँ पे कोई एनिमल है, क्या है? तो बेटा जो शक्ति पेड़ से उसके अंदर आएगी वो सिर्फ उसकी 10% ही होगी। किसकी? पेड़ से। मान लो इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं, किसी के जेब में 100 रुपए थे, कितने? 100 रुपीज थे, और वो क्या था? उत्पादक। क्या था? उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। तुमने उससे 100 रुपए लिए, क्या उससे 100 रुपए ले लिए? तो जब तुम ये तुम हो, तुमने क्या ले लिया उससे? 100 रुपए लिए, ठीक। लेकिन अगर तुम रियल लाइफ में लोगे तो 100 के 100 तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम यहां पर इस केस में क्या हो? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। इसके नॉर्मल केस में 100 के 100 तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन बेटा ये जो साइंस का केस है ना, यहाँ जो ये साइंस का केस है, यहां पर क्या होगा कि बेटा इसका सिर्फ 10% ही आपको मिल पाएगा, ओनली 10% ही आपको मिल पाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 90% लॉस हो जाएगा। तो 100 का 10% क्या होगा? 10। तो इसका मतलब जब तुम 100 रुपए उस पौध से ले रहे हो उत्पादक से, तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए ही पहुंचेंगे। अब मान लो तुम्हें शेयर खा गया, तो अब तुम्हारे 10 रुपए का ओनली 10% उस शेयर तक पहुंच पाएगा, वो कितना होगा? 1 रुपया। क्या हो गया? 1 रुपया। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया 10% का नियम क्या कहता है। तो अच्छा एक बात बताओ, एक पेड़ से, इधर दिखाओ, एक पेड़ से हिरण ने खाया, या मान लो एक पेड़ से मुर्गी ने खाया, क्या खाया? तो बेटा अगर पेड़ के पास 100 रुपए थे तो मुर्गी के पास 10 ही तो रह गए, और अब आदमी ने मुर्गी को खाया तो मुर्गी, तो आदमी के पास कितने पहुंचेंगे? 1, मतलब 1 रुपया, 1% एनर्जी उसके पास पहुंच पाएगी। बेटा क्या हो अगर हम बीच में से मुर्गी को हटाएं और सीधा पेड़ों से भोजन ले लें, जैसे दाल खा लें, गोभी खा लें, फल खा लें, तो क्या हमें 1 की जगह 10 नहीं मिलेगी एनर्जी? मिलेगी ना, है ना? तो इसका मतलब बेटा वेजिटेरियनिज्म के अंदर ज्यादा शक्ति होती है, मांसाहार से ज्यादा शक्ति किसमें है? वेजिटेबल्स के अंदर शक्ति है। ठीक है बेटा, इसीलिए सारे वेजिटेरियन जो हमारे पास प्राणी है वो काफी बड़े और शक्तिशाली भी है, और वो घास फूस ही खाते हैं। तो बेटा ये कह देना कि शक्ति सिर्फ मांस खाने से आती है, ये 10% का लॉ बेटा उस चीज को झुठला देता है। बाकी अब
कमेंट्स में गाली देने से ज्यादा अच्छा है कि जाकर उस साइंटिस्ट को गाली दो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में मुझे पता चलता है कि मुर्गी खाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं सीधा पेड़ों से लिए हुए प्रोडक्ट खा लूं। ठीक है बेटा, तो संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, नहीं तो पड़ेंगे तुम्हें डंडे। अगला देखो ये क्या है बेटा, ये वही तो है जो हमने पीछे देखा था। देखो इसके अंदर क्या हुआ, और नए जानवर जुड़ गए, और नए जानवर जुड़ गए। अब इसके अंदर हमने क्या किया, कई सारी चेन दिखाई दे रही है, कई सारी चेन दिखाई दे रही है। देखो इधर देखो, तो जो हमने शुरू में देखी थी जो नॉर्मल थी उसको बोलते हैं बेटा फूड चेन। क्या? फूड चेन। खाद्य श्रृंखला। क्या? श्रृंखला या श्रृंखला ऐसे लिख दो, श्रृंखला। इसका मतलब फूड चेन, मतलब नॉर्मल, लेकिन बहुत सारी फूड चेन। यहाँ देखो ना, यहाँ तो कई सारी फूड चेन है, बहुत सारी श्रृंखला है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जाल। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोल देते हैं फूड वेब। अब चैन की जगह बोलेंगे वेब, मतलब जाल। और हम हिंदी में क्या बोलेंगे, खाद्य जाल या आहार जाल। बात खत्म हो गया। ठीक है, अब बेटा इसको भी हम कुछ चीजों में बांटते हैं। इधर देखो, सबसे पहले आता है सूर्य का प्रकाश। इसका मतलब है एनर्जी किस तरीके से अंदर इसमें मूव करती है। देखो कि जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ से आती है और किसकी तरफ जाती है, मतलब एनर्जी कहाँ से आती है और किसकी तरफ जाती है। तो ये बेटा हमको आना चाहिए। ठीक है, ये देखो नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। कैसे जाएगी? सबसे पहले नीचे होगा बेटा सनलाइट। क्या होगा? सनलाइट। क्योंकि बेटा पेड़ भी अपना खाना खुद बनाता है, तो शक्ति तो उसको पेड़ सूरज की रोशनी से ही तो लेता है। देखो इधर क्या, सूरज की रोशनी से तो लेता है। तो ये देखो, जब शक्ति सूरज की रोशनी से आई, किसके पास आई? सबसे पहले उत्पादक के पास, मतलब प्रोड्यूसर के पास, मतलब पेड़ के पास। पेड़ से किसके पास गई? शाकाहारी के पास, वेजिटेरियन के पास। किसके पास? वेजिटेरियन के पास। अब वेजिटेरियन को खा गया बेटा नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, तो मांसाहारी नॉन वेज के पास। मांसाहारी खा गया, और मांसाहारी को खा गया बेटा सर्वहारी। क्या? ओमनीवोरस। क्या? ओमनीवोरस। ये शीर्ष मांसाहारी। इसका मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मांस खाने वालों को भी खा जाते हैं, मांस खाने वालों को भी खा जाते हैं। और ऐसा कौन होता है? भालू। ऐसा कौन होता है? इंसान। इंसान भी तो सर्वहारी है, वो बेटा मांस खाने वाले को भी खा जाता है। इंसान तो इंसान को भी खा जाता है, आपने देखा कई जगह तो। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा बेटा, अगली चीज देखो। देखो, हमारे काम किस तरीके से पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, प्रभावित करते हैं। हाउ अवर एक्टिविटी क्या करते, इम्पैक्ट इन्वायरमेंट। हमारी गतिविधि बेटा किस तरीके से इन्वायरमेंट को गति पहुंचा रही है। तो ये देखो, इधर दिखाओ, ओजोन परत, ओजोन लेयर के अंदर बेटा छेद हो गया है, अपक्षयित हो गई है। क्या हो गया? अपक्षयित हो गया, मतलब टूटने लगी है, डिके होने लगी है। क्यों होने लगी है? क्योंकि बेटा हम बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, और प्रदूषण से निकलने वाली CO2 गैस, CFC गैस, क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा इस चीज को हमेशा याद रखना, CFC, CO2, इस तरह की गैस क्या कर रही है बेटा, हमारी धरती का तापमान बढ़ा रही है। और हमारी जो धरती के ऊपर सुरक्षा कवच है, ये मान लो ये अर्थ है, उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच है जिसको हम ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है O3। क्या है? O3। ठीक है, ये बेटा क्या कह रहा है कि ये हमें अभी अब क्या इससे सुरक्षा करती है? तो बेटा सूरज से आने वाली जो धूप होती है, जो किरण होती है, उसके अंदर बेटा एक किरण होती है पराबैंगनी। कैसी? पराबैंगनी किरणें होती है। कैसी होती है? पराबैंगनी किरणें होती हैं। अब बेटा इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं अल्ट्रावायलेट। क्या? अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। अब ये रेज बेटा क्या कर रही है, ये हमारे इस ओजोन परत को तोड़ रही है। क्या? तोड़ रही है। जब बेटा इसके ऊपर ये CFC कार्बन पड़ता है, तो ये बना किससे हुआ है? ये बना हुआ है O3, मतलब ऑक्सीजन के तीन मोलिक्यूल्स मिलके इसको बनाते हैं। ओजोन के तीन मोलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन के तीन मोलिक्यूल मिलके इसको बनाते हैं। लेकिन जब बेटा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके ऊपर पड़ता है, तो ये मतलब क्या करता है, इसको बहुत नष्ट करता कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको नष्ट कर रहा है, हमारी ओजोन को नष्ट कर रहा है। तो बेटा सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस है क्या जो हमें नुकसान पहुंचाएंगी? अगर बेटा ये धरती के अंदर आ जाती हैं, तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां दे सकती हैं, हमारी आंखों की शक्ति जा सकती है, हमारी फसलें बर्बाद हो सकती है, और हमारे टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, गर्मी पृथ्वी की बढ़ सकती है। और क्या तुम गर्मी में सर्वाइव कर सकते हो? अगर ऐसा होगा तो हमारे पहाड़ों की बर्फ सूख जाएगी, वो सारी बर्फ पिघल के नदियों में आ जाएगी, नदियों में बाढ़ आएगी, फिर नदियों के बाद वो समुद्र में जाएगी, समुद्र में बाढ़ आएगी, तो बेटा त्राही त्राही हो जाएगी सब तरफ, सुनामी सुनामी, और कई देश तो डूब जाएंगे। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, अपने ही पर्यावरण को खुद खराब कर रहे हैं। अब यह देखो क्या लिखा है, 1980 के अंदर एक बात बताई गई, 1980 के अंदर, कि वायुमंडल की ओजोन की मात्रा बहुत तेजी से कम हो रही है। इसको कम करने के बेटा वजह क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, और ये कौन बचाता है बेटा? आदमी। अब ये निकलती कहाँ से है? रेफ्रिजरेटर से निकलती है, याद रखना। किससे? अब फ्रिज से, AC से निकलती है। 1987 में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वमान्य
सर्वानुमति बनी कि सीएफसी के निर्माण को 1886 के स्तर तक सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, पूरी दुनिया ने पर्यावरण के ऊपर एक मीटिंग करके बोला कि 1986 तक हम बेटा सीएफसी को निकालना कम करेंगे, लेकिन आपको पता है कि आज क्या है 2024 और दबाकर एसी और फ्रिज तैयार हो रहे हैं बेटा, जिनके यहाँ पर कभी भी नहीं थे वहाँ भी बन रहे हैं, तो ओजोन और तरीके से खत्म हो रही है बेटा। नेक्स्ट देखो, कचरे का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, इसका मतलब वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करें। क्या फ़र्क पड़ता है बेटा अगर हम वेस्ट को कहीं इधर उधर फेंक भी दें, एक तो वो गंदगी बढ़ाता है बेटा, जानवर उसे खा के मरते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। कचरा भी बेटा दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कचरा होता है जो गल जाए, और एक कचरा होता है जो कभी निकल सकता है, ऐसे प्लास्टिक। और बेटा एक कूड़ा तो बहुत ही खतरनाक है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव, क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव, जिससे निकलने वाली किरणें ही बहुत खतरनाक होती हैं, जिससे निकलने वाली किरणें बहुत खतरनाक होती हैं। तो बेटा इनको क्या करें बेटा, जिसको दोबारा बदला जा सके, आर आर आर, क्या दिया मैं, आर आर आर, ये पिक्चर मत समझ लेना, क्या है इसका मतलब है रिसाइकल रीयूज रिड्यूस। इसका मतलब क्या है, रिसाइकल का मतलब कि पुनः इस्तेमाल करो, कोई चीज़ क्या है उसको फेंको मत, उसको कुछ और तरीके से इस्तेमाल कर लो, बोतल का कुछ पियो तो फेंको मत कुछ और, रिसाइकल रीयूज का मतलब क्या है, जैसे किसी और तरीके से, रिसाइकल का मतलब क्या है, तुमने उसका कुछ और ही बना लिया, उस तुमने जैसे अखबार था उसको साफ करवा के उसकी कॉपी का कागज बना लिया, बनाते हैं कई लोग, ग्राफ रजिस्टर आता है एक ब्लैक पन्ने वाला, ठीक है। तो जैसे आप रीयूज का क्या मतलब है, तुमने उसी चीज को किसी और चीज में इस्तेमाल, और रिड्यूस का मतलब है बेटा कम इस्तेमाल करो, क्या कम इस्तेमाल करो। तो इन चीजों को हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म होता है।